स्वागत दोस्तों आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एचडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप लोगों के लिए मैं कुछ जानकारी देने के लिए आया हूं, क्योंकि आपका मंडे से जो वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाले हैं, मंडे को जो मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं मंडे से, आपको उनको सीखने से पहले आपको कम से कम आपको पहले ये सिलेबस पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में आपसे पूछा क्या जाएगा। तो दोस्तों डोंट वरी, मैं उसी का समाधान लेकर के आपको आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या आने वाला है। तो डोंट वरी, मैं इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। आप इन चीज़ों को सीखिए, समझिए और जहाँ जानकारी हो उसको देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मैं क्लास टेंथ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में क्या क्या आने का मतलब कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होता तो 100 नंबर का है, होंगे 100 मार्क्स के, जिनमें से आपको 70 मार्क्स मिलेंगे आपके रिटर्न में। 70 मार्क्स किसके हैं, ये होंगे आपके रिटर्न, आप जितना लिखेंगे उसके 70 मार्क्स मिलेंगे, और बाकी के जो 30 मार्क्स हैं ये आपका मंथली असेसमेंट होगा, जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, मासिक वाइज मूल्यांकन, ये आपको स्कूल से दिए जाएंगे। तो ये असेसमेंट के होंगे आपके, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको 30 नंबर स्कूल से मिलने वाले हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, और ये 70 नंबर मिलेंगे आपको, आपकी मेहनत दिलाएगी, आपकी काबिलियत दिलाएगी। तो हमें 100 तो लाना है, लेकिन अगर ये 30 पूरे मिल जाते हैं तो ये 70 का टारगेट, इस 70 में हम लोगों को देखो कितना लेके आते हैं। तो हमारा ये होगा 100 मार्क्स में 70 रिटर्न में और 30 असेसमेंट के स्कूल से दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेहनत होगी वो होगी इन 70 नंबरों के लिए, ठीक है। दोस्तों अब क्या होता है, अब इसमें देखते हैं, हमारा ये इंग्लिश का जो टॉपिक है, इंग्लिश का टॉपिक दो कैटेगरी में बटा हुआ है। इंग्लिश का टॉपिक बटा हुआ हमारा, सबसे पहला है सेक्शन ए, कौन सा है सेक्शन ए। मैं पहले सेक्शन ए की बात कर लेता हूँ। सेक्शन ए में दोस्तों आप सब लोगों से पूछा क्या जाएगा वो सिखा देता हूँ। सेक्शन ए में हमसे सबसे पहले पूछा जाएगा प्रोज में, प्रोज, प्रोज में आपके पास चैप्टर भी है, जो चैप्टर है वो इस प्रकार है, पहला है द एन्चेंटेड पूल, पहला चैप्टर है आपका द एन्चेंटेड पूल, इससे पूछा जाएगा द एन्चेंटेड पूल से, आपका चैप्टर में सिलेबस में ये है, पहला है ये, दूसरा है अ लेटर टू गॉड, नेक्स्ट है अ लेटर टू गॉड, और तीसरा लेसन है आपका, तीन और चार, इसमें चार लेसन है दोस्तों आपके, तीसरा लेसन है आपका द गंगा, एंड तीसरा है द गंगा, और चौथा है सोक्रेटिस, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो सोक्रेटिस नाम का एक चैप्टर है, तो ये आ गया, जिसको सुकरात के नाम से जानते हैं, ये आपके प्रोज में होंगे और इनमें क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपके चैप्टर ये इस प्रकार हैं, और अब इनमें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं मैं उनका जरा डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों मुझे देखो सिलेबस याद नहीं, मैं आपको देख करके बता रहा हूं, जरा समझिएगा। इन चैप्टर में से प्रोज की बात मैं बता रहा हूं पहले, इन प्रोज में आपके आने हैं कंप्रीहेंशन, ये पूरी प्रोज आपको दिलाएगी 16 नंबर, पूरी प्रोज आपको कितने नंबर दिलाएगी 16 मार्क्स, याद रखते जाना, 16 नंबर आपको ये पूरी प्रोज दिलाएगी, जिनमें से आपसे पूछा क्या जाएगा कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन में क्या पूछा जाता है, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, या फिर ये पूछा जाएगा उसमें से कि ये पैसेज किस लेसन का है और इसकी राइटर कौन है, ये पूछा जाएगा, कंप्रीहेंशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। और कंप्रीहेंशन आपको दिलाएगा 4 नंबर, कितने दिलाएगा, ये दिलाएगा आपको 4 मार्क्स, कंप्रीहेंशन दिलाएगा आपको 4 मार्क्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर, इसके बाद क्या पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर जो होंगे दोस्तों ये आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूछा जाएगा 2 दिए जाएंगे, उन दोनों में से किसी एक को लिखना होगा और ये आपको दिलाएंगे 4 मार्क्स। तो 4 और 4 कितने हो गए 8, अब आप देख रहे हैं 16, 4, 20, 4, 24 नंबर अभी आपके ये हो चुके हैं, हमें 70 नंबर में चाहिए, अभी हम 70 की बात कर रहे हैं, 70 में पूरा एग्जाम मुझे हमको, मैं आपको मूल्यांकन करके बता देता हूँ, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर होगा 4 नंबर का, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर, इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट आंसर की,
तो शॉर्ट आंसर जो होंगे वो आपके कितने आने वाले हैं? तो दोस्तों शॉर्ट आंसर तीन दिए जाएंगे, तीन, तीन में से आपको दो करने होंगे। कितने करने होंगे? तीन में से दो, बटे तीन में लिखे दे रहा हूँ, मतलब तीन आएंगे, तीन में से आपको दो करने होंगे। लॉन्ग आंसर दो आएंगे, दो में से एक करना होगा। चलो मैं ये नहीं लिखता, सिर्फ कितने करने हैं आप वो देख लो, दो आंसर इसमें से करने होंगे, ठीक है। अब इन दो नंबर क्वेश्चन करने होंगे, दो 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 नंबर के होंगे, तो ये भी आपको चार नंबर दिला देगा। और इसके बाद बचता है आपका वोकैबुलरी, वोकैबुलरी पे आता है, इसका मतलब सिनोनिम पूछ लिया जाता है, या सब्जेक्ट से जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में कहां से ये पूछा गया है वो उसकी वोकैबुलरी आएगी। तो वोकैबुलरी जो दोस्तों होगी ये होगी, ये भी आपको फोर मार्क्स दिलाएगी। तो आप देख सकते हैं 16 16 32 नंबर आपके प्रोज ने आपको दिला दिए, सॉरी दोस्तों ये चार नंबर का ये हो जाएगा। तो 16 नंबर आप देख सकते हैं कितने, किस तरीके से ये दिलाए जाएंगे, 16 नंबर इस तरीके से, 32 नहीं हुए सारी दोस्तों, ये आपके इस तरीके से ये आ गए 16 नंबर। आप देख सकते हैं प्रोज आपको 16 मार्क्स कुछ इस तरीके से दिलाएगी। अब बात करते हैं पोएट्री की, तो पोएट्री में हमारा क्या क्या पूछा जाएगा। पोएट्री में आप देखिए दोस्तों, पोएट्री में हमारे पास पहले चैप्टर कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। पोएट्री के चैप्टर हमारे पास पहला है द फाउंटेन, पहला चैप्टर हमारे पास द फाउंटेन। नेक्स्ट है, तीन पोएम है दोस्तों हमारे पास। नेक्स्ट है द सॉम ऑफ लाइफ, द सॉम ऑफ लाइफ एक ये चैप्टर है। और तीसरा है द विलेज सॉन्ग, तीसरा क्या है द विलेज सॉन्ग। मैं आपको एक रोड मैप बता देता हूं कि आपका एग्जाम कुछ इस तरीके से आना है और आपको इसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो द सॉन्ग ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग ये होंगे। अब ये पोएट्री आपको दिलाएगी 7 मार्क्स। कैसे दिलाएगी जरा मैं बता देता हूँ आपको। पहले आपको ये कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से दो प्रश्न लिखने होंगे। तो इसमें भी आएगा एक कॉम्प्रिहेंशन, क्या आएगा कॉम्प्रिहेंशन आएगा। और ये भी आपको दो क्वेश्चन आएंगे, दो दूनी चार नंबर ये आपको खुद दिलाएगी, ओके। और इसके बाद पूछा जाएगा दोस्तों, या तो एक सेंट्रल आइडिया पोएम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया। और ये सेंट्रल आइडिया आपका तीन नंबर का होगा, या फिर सेंट्रल आइडिया होगा, या फिर इसकी जगह पे आपको ये पूछा जाएगा, या फिर सेंट्रल आइडिया की, या फिर इसकी जगह पे और, या इसके बाद पूछा जाएगा आपसे कोई फोर लाइन की पोएम, फोर लाइन, ठीक है, फोर लाइन की आपको पोएम पूछी जाएगी। तो ये बस ये चीजें पूछी जाएंगी आपसे पोएट्री में। तो ये आपको दिला देगा चार नंबर ये और तीन नंबर ये, सात नंबर आपको दिला देगी आपकी ये पोएट्री, ओके। तो आप समझ रहे हैं ना कि हमारा प्रोज और पोएट्री इस तरीके से होगा। तो कितना हो गया, 16 और 7 हो गया 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। आप देखो, आप टोटल आपका सेक्शन ये जो होगा, पूरा सेक्शन है ये 35 नंबर की होगी, ठीक है। 23 ये हो गया। आप बाकी देखिएगा, आपको शॉर्ट आंसर जो जो सप्लीमेंट्री है, ये प्रोज हो गई, ये पोएट्री हो गई। अब मैं जरा आपको बता देता हूँ सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन कैसे आने हैं। अब यहां पे देखिए आप सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में आपसे क्या क्या पूछा है, इसके चैप्टर कौन कौन से हैं। इसमें भी दोस्तों, इसमें अब वैसे तो थे तीन, लेकिन अब दो चैप्टर रखे गए हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस एक ये चैप्टर आएगा, और दूसरा आएगा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। कौन सा आएगा? द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अब ये दो चैप्टर में आएगा। अब ये अब आपकी सप्लीमेंट्री रहेगी दोस्तों 12 नंबर की। कितने की रहेगी? क्योंकि 23 वो हो गए, 23 दो 25 और 25 दस 35, तब जाके 35 नंबर की हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या आना जरा देखिएगा। शॉर्ट आंसर आएंगे, और कितने आएंगे? तीन आएंगे, तीन में से दो करने होंगे। तो इसमें आएंगे आपके शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर आपको दिलाएंगे चार नंबर। शॉर्ट आंसर कितने नंबर दिलाएंगे? चार नंबर शॉर्ट आंसर दिलाएंगे। फिर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, क्या आएगा? ट्रू फॉल्स, ये भी आपको कितने दिलाएंगे? चार नंबर ये भी दिलाएंगे। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आपको चार नंबर दिलाएगा। और ट्रू फॉल्स के बाद अगर बात करें तो आएंगे मल्टीपल चॉइस MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, ये भी चार नंबर आपको दिलाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका सेक्शन ए डिवाइड हो जाता है, और सेक्शन ए में इस तरीके से कुछ चैप्टर रहेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, कौन सा बोर्ड एग्जाम, 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपसे ये सब पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन ए में देखा क्या क्या हमारा सिलेबस था, और सेक्शन ए में क्या क्या आने वाला था, जो कि आपको दिलाते थे 35 नंबर, जी हाँ 35 मार्क्स आपको उसमें से मिल जाते थे। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की।
अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी। इसमें आपको पूरा ग्रामर का पोर्शन बताया जाएगा, ग्रामर से क्या क्या आना है, तो जरा मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ। ग्रामर में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टेन बन के आएगा आपका। ग्रामर का मैं सेक्शन में क्वेश्चन तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें देखिएगा पहले जो क्वेश्चन सेक्शन बी के बाद का जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आप वो फोर पार्ट में होगा, पहला ए बी सी और डी पहले पार्ट में आना है आपका। समझते जाइएगा, मैं मार्क्स भी आगे डिस्क्राइब कर देता हूं। पहले मार्क्स में आना है रीऑर्डरिंग। क्या आना है? रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, वो सेंटेंस का ग्रुप क्या होगा, मतलब सिंपल समझ लीजिए तरीके से। मान लीजिए सब्जेक्ट का ऑर्डर होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन इसमें क्या होगा, हो सकता है अदर वर्ड को पहले दे दिया जाए, ऑब्जेक्ट को बाद में दिया जाए, सब्जेक्ट को फिर इसके बाद और वर्ब को बाद में रखा जाए, ऐसा हो सकता है दिया जाएगा, लेकिन जो कि गलत होगा। ये हमें नहीं करना, हमको इस चीज को इस फॉर्म में चेंज करके लाना है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का एग्रीमेंट बना करके रीऑर्डर करना होगा। और इसके लिए आपको निर्धारित किए गए हैं 2 नंबर। इसमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको? 2 मार्क्स। हाँ, तो ध्यान से तैयारी करिएगा, देखने में आसान लेकिन है बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला। सभी से कभी कभी सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में कंफ्यूजन से वजह से आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको सिखाऊंगा, आप पहले समझ लेना। आज सिलेबस समझाने आया हूँ, मंडे से रेगुलर क्लास आपको अटेंड करनी है, ध्यान से समझ लीजिए, तब आपको सीखने को मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम में मैंने कहा ना 90% का टारगेट लेके चलेंगे दोस्तों। टारगेट कितना होगा हमारा? 90%। तो 90+9 इंग्लिश में आपको 90+ दिलाऊंगा बस, लेकिन मन से समझ के चलना, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, जब ये हो गया दोस्तों तो अब क्या देखते हैं, चेंज ऑफ सेंटेंसेस। सेकंड में आना है चेंज ऑफ सेंटेंसेज। चेंज ऑफ सेंटेंसेज में क्या होगा, आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, हो सकता है उसको निगेटिव में चेंज करना हो बिना सेंस को चेंज किए हुए, मतलब उसका जो अर्थ है बिना अर्थ को बदले हुए आपको निगेटिव में चेंज करना, हो सकता है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने को आ जाए या फिर उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने को आ सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। अब मैं बेसिकली ये चेंज ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस को चेंज करना निगेटिव में आएगा ये, तो निगेटिव में सेंटेंस को चेंज करना आएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा आपका नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना या फिर हो सकता है इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना भी आ सकता है, डोंट वरी। आप वो क्वेश्चन एग्जाम जो पेपर सेटर होंगे वो आप उस चीज को बताएंगे, अब वो क्या कैसा पेपर आता वो, लेकिन फॉर्मेट देख लीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें आना है। और लास्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें क्या आएगा? वर्ब की फॉर्म। सेंटेंसेस में आपका पैसिव वॉइस भी आ सकता है, मैंने बताया ना आपका सेंटेंस निगेटिव या पैसिव वॉइस हो सकता है, डायरेक्ट नाइट इसमें आएगा। फिर इसमें वर्ब के फॉर्म को चेंज करना आएगा, वर्ब फॉर्म्स इनको चेंज करना, किसी भी फॉर्म में दे दिया जाएगा और आपको उसको सही करके किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करना रहेगा, तो इसका तरीका होगा ये। ये सभी दोस्तों दो नंबर के निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में आपका पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन आपको दिलाएगा 2×8 नंबर। ये क्वेश्चन आपको दिलाएगा टोटल कितने 8 नंबर आपको ये क्वेश्चन दिलाएगा। 35 की बात इसमें भी है, ये भी टोटल आना है 35 नंबर का। और इन 35 में देखो बात आपको 8 नंबर की दिलाने की हो चुकी है, अब 8 नंबर आपको ये पहला क्वेश्चन ही खुद दिला देगा, ठीक है। और हमें 90% का टारगेट लेना है, तो थोड़ा सा मेहनत से आप सीखेंगे, मेहनत करते हुए। ओके, नेक्स्ट है देख दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें सेक्शन बी के अंतर्गत पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा करेक्ट प्रीपोजिशन। ये भी 4 टुकड़ों में होगा, ए बी सी और डी। इसमें पूछा जाएगा करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन कौन सा यूज किया जाएगा वो आपको भरना होगा। ये भी आपको एक प्रीपोजिशन भरेंगे और आपको दिलाएगा 2 नंबर। कितना दिलाएगा? 2 नंबर दिलाएगा ये। बहुत अच्छा, बहुत आसान, बहुत समझ में आ रहा, 2 नंबर दिलाएगा, बहुत अच्छा। बस प्रीपोजिशन आपको तैयार करना, मैं क्लास में बताने वाला हूँ, प्रैक्टिस करवा दूंगा, याद कर लेना, एग्जाम में सही सही लिख दोगे। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करने के बारे में आएगा, कोई सेंटेंस आधा अधूरा दे दिया जाएगा और उसको पूरा करना होगा, तो कंप्लीशन आएगा, ये भी 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आएगा आपका स्पेलिंग टेस्ट का। स्पेलिंग टेस्ट में 2 स्पेलिंग दी जाएंगी और ये कंप्लीट नहीं रहेंगी, तो ये आधे आधे नंबर के आएंगी और 2 मार्क्स आपको कैरी करवाएंगी, तो सॉरी 1 नंबर दिलवाएंगी आपको, ये 2 क्वेश्चन आएंगे आधे आधे नंबर के होंगे, तो ये स्पेलिंग टेस्ट बस 1 नंबर का होगा। और यहाँ पे भी आएगा पंक्चुएशन, इसमें आप सीखेंगे पंक्चुएशन, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा ऐसे कैसे इस तरीके ये कहाँ लगाना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज करना है, वो आप सीखेंगे पंक्चुएशन में। तो आप देख सकते हैं इसमें 2, 2, 4, 1, 6, 7 नंबर आपको ये केवल ये क्वेश्चन ही आपको दिला देगा, तो आप देख सकते हैं 8, 7, 15 नंबर हो गए।
ठीक है, 35 में 15 नंबर आपको ये दो क्वेश्चन में दिलाए जाएंगे। उसके बाद आइए देखते हैं इसमें तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा उसकी बात करते हैं। तीसरे नंबर में आपका दोस्तों होगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसमें क्या आएगा ट्रांसलेशन। और आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन की मैंने पुरानी कई वीडियोज को अपलोड किया है, आप अगर आप में से जो बच्चे नए हो उनको देख लीजिएगा, इसी चैनल पे कई वीडियोज अपलोड और भी अपलोड करूंगा, कम से कम आपको 30 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। 30 नहीं हो सकती तो आपकी बोर्ड एग्जाम तक में मैं आपको ट्रांसलेशन की कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट तो करवा ही दूंगा, 20 तो कंफर्म मान लीजिए, और आपको 30 करनी है, 30 आप करोगे 20 मैं करवाऊंगा, 20 प्रैक्टिस सेट बोर्ड इसी बोर्ड पे करवाऊंगा, आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आप सीखना बहुत मजा आएगा और आप इसके ट्रांसलेशन के मार्क्स यूं ले लोगे, ठीक है, बस रूल समझते जाना। तो ट्रांसलेशन आपको दिलाएगा 4 मार्क्स, ट्रांसलेशन कितने मार्क्स दिलाने वाला है 4 मार्क्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आना है इसमें फोर्थ नंबर पे, सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं कर रहा, इसमें आना है आपका लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन। नेक्स्ट आना है आपका लेटर या फिर एप्लीकेशन, ये आपसे पूछा जाएगा और ये तो आप छोटे से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेटर राइटिंग एप्लीकेशन ये भी आपको 4 नंबर दिलाएगा। इसमें कितने मार्क्स निर्धारित किए गए हैं 4 नंबर आपको ये भी दिलाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर पे, 5वें पे होगा दोस्तों लॉन्ग कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक, कोई टॉपिक दिया जाएगा उस पर कंपोजिशन कोई दिया जाएगा, ठीक है, इसके लिए आपको 6 नंबर निर्धारित किए जाएंगे। तो ये समझ लेना ये आएगा आपका लॉन्ग कंपोजिशन, ठीक है, लॉन्ग कंपोजिशन में आपको ये 6 नंबर दिए जाएंगे, ये आपको तैयार करना है, इसको भी सिखाऊंगा आपको। और एक होगा नेक्स्ट है अनसीन पैसेज, ये तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है आप किसको कैसे करेंगे, अनसीन पैसेज दिया जाएगा और अनसीन पैसेज से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चंस भी इसमें दिए जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, क्वेश्चन कई दिए जाएंगे 3 या 4, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, थोड़ा लॉन्ग में आप देख रहे हो 6 नंबर का होगा तो छोटा आप लिखोगे मार्क्स मिलेंगे नहीं, इसलिए बड़ा भी आपको लिखना पड़ेगा। अब आप इनको देख सकते हैं कि कितने मार्क्स का ये सब होने वाला है, 6, 6, 12, 12 और 8, 20 तो ये हो गए 20 और ये 8, 7, 15 20 और 15 हो गए 35 नंबर। आप देख सकते हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर अर्थात जो सेक्शन बी ग्रामर का पोर्शन, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा आपका ग्रामर, तो इस ग्रामर में आपको ग्रामर आपको दिलाएगी 35 नंबर, और यही ग्रामर जो क्लास 10th की है हाई स्कूल की है ये आपको इंटर में भी काम आएगी और इंटर के साथ साथ आपको आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूजफुल होने वाली है दोस्तों। तो क्या आप सब लोग तैयार रहेंगे ना मंडे को भूला नहीं, मंडे से रेगुलर क्लास चालू होंगी आपकी, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी और उसमें आप इसको सीखेंगे। मैं बहुत ही जल्द आप एक महीने में आपको मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा हाई स्कूल के बच्चों के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं आप सबको जोड़ दो स्टडी विद गोपी गोपाल चैनल, नाम तो याद रहेगा ना, स्टडी विद गोपी गोपाल में जोड़िए, चैनल का नाम मैं लिखे देता हूं स्टडी विद गोपी गोपाल, नाम याद रखना।